हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वारियर्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा, अक्टूबर मंथ की टॉप 10 वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर मंथ टॉप 10 वैकेंसीज। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, वो 10 वैकेंसीज कौन कौन सी है लास्ट तक आप बने रहिएगा, मैं बताने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम रोजगार से संबंधित न्यूज हमेशा लाते रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारी हमारे सामने जो वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों, वो है इंडियन नेवी की। किसकी है दोस्तों? इंडियन नेवी की 10+2 बीटेक से मांग रखा है। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10+2 है एनी स्ट्रीम, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज है वेरियस, यानी कि अभी घोषणा नहीं किया गया कितनी वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों वेरियस, ठीक है ना। वेरियस बोलो तो बहुत सारा है। एज, अब यहाँ पे एज फैक्टर क्या करता है कि आपका जो जन्म हुआ हो वो 2 जुलाई 2001 और 1 जनवरी 2004 के बीच ही अगर आपका बॉर्न हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इससे पहले आपका जन्म हुआ तो नहीं भर सकते, इसके बाद जन्म हुआ तो नहीं भर सकते, ठीक है ना। फॉर्म फी है 0 और अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन करना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन अप्लाई मोड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जॉब लोकेशन की बात करेंगे दोस्तों तो ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है, ठीक है ना। स्टार्टिंग डेट इसका होगा 6 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों, 6 अक्टूबर से इसकी स्टार्टिंग होगी और 20 अक्टूबर 2020 तक यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इंडियन नेवी में वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ही गजब की वैकेंसी है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी लेना हो तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तरह का जानकारी लेना हो तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, कोई भी दिक्कत रहेगा मैं वहां पे आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। और कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई भी यूट्यूबर बताए, कोई भी गूगल पे जरूर एक बार चेक जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। और टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, PDF वगैरह सब मैं वहां पे भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मेरे से आप बात कर सकते हो। यहाँ पे अगले की तरफ क्या आते हैं, BCEC रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट जो वैकेंसी हमारे सामने निकल कर आती है, BCEC ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। ये वैकेंसी निकल कर सामने आती है अमीन के पोस्ट पर। किसके पोस्ट पर दोस्तों? अमीन के पोस्ट पर। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? ओनली 12th है। क्या है दोस्तों? ओनली 12th क्वालिफिकेशन है। बात करेंगे पे स्केल की, 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक इसका पे स्केल है, ठीक है ना। मेल के लिए इसमें एज दे रखा कि 18 से 37 होना चाहिए, ठीक है ना। मेल के लिए जो एज है दोस्तों 18 to 37 होना चाहिए, फीमेल के लिए दोस्तों 18 to 40 होना चाहिए, है ना। जनरल ओबीसी का जो फॉर्म फी है दोस्तों, वो थोड़ा जनरल ओबीसी का हमेशा ज्यादा रहता है। जनरल ओबीसी का दोस्तों जो फॉर्म फी है वो 700 है और SC ST वोमेन एंड अदर का 350 है, ठीक है ना। और लास्ट डेट आपका है 31 अक्टूबर 2020। लास्ट डेट कब है दोस्तों? 31 अक्टूबर 2020। यहाँ तक तो टॉप 2 वैकेंसीज हो चुकी है ना, आइए लेते हैं टॉप 3 तीसरे वैकेंसीज के बारे में, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी जाकर पूरी बात आप समझ पाएंगे, ओके। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो हमारे सामने तीसरी वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, वो है CSEL रिक्रूटमेंट। क्या दोस्तों? CSEL रिक्रूटमेंट, चीजों को समझ लीजिएगा। जो हमारे सामने तीसरी वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है, CSEL कोचीन CPR लिमिटेड। क्या दोस्तों? कोचीन CPR लिमिटेड, बता दे रहा हूँ, कोचीन CPR लिमिटेड है तीसरी वैकेंसी, कोचीन CPR लिमिटेड। और यहाँ पे जो पोस्ट नेम है वर्कमैन की है। किसके दोस्तों? वर्कमैन की यहाँ पर दोस्तों क्या इसमें पोस्ट है। और वैकेंसीज है 577, वैकेंसीज है दोस्तों 577 इसमें वैकेंसीज है। और बात करेंगे पे स्केल की, तो 22,000 और 24,000 के आसपास इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। 22,000 लेकर 24,000 के आसपास आपको अकॉर्डिंग टू उसमें जितना वर्क रहेगा अकॉर्डिंग टू उसी के अनुसार जो है 22,000 से लेकर 24,000 तक इसमें आपको पे स्केल मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन दोस्तों चीजों को समझ लीजिएगा, अगर आपका सेमी या स्किल, यहाँ पे देखिए किसी किसी पोस्ट के लिए 4th है, किसी किसी पोस्ट के लिए 7th है, फिर 10th है, फिर 12th है। दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए ना, अलग अलग मतलब जिस तरह से आपका कार्य है तो उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, ऐसे समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 4th के लिए भी वैकेंसी, 7th 10th 12th सभी के लिए वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एज है दोस्तों, यहाँ पे 30 to 40 यहाँ पे एज मांग रखा है, ठीक है ना। एज यहाँ पे थोड़ा सा
जो एज होना चाहिए दोस्तों, एज वाला थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा क्लियर नहीं है ठीक है ना, एज को भी छोड़िए ठीक है ना, एज वाला मैं जो है बता दूंगा। तो यहाँ पे जहां तक मेरा अनुमान जो है, जहां जो मैं लिखा हूँ दोस्तों, एज जो फैक्टर वो नियर है वो 30 ईयर आपका होना चाहिए ठीक है ना, 30 के आसपास जो है एज होना चाहिए। फिर भी ये क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, उसके लिए सॉरी, मैं बता दूंगा आपको ठीक है ना। और अप्लाई मोड इसका दोस्तों क्या है, ऑनलाइन है। अप्लाई मोड इसमें क्या है दोस्तों, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है ठीक है ना। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट, चीजों को समझ लीजिएगा, पूरी बात चेक करने के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.cochinshipyard.com दोस्तों इस वेबसाइट पर जाइएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी ठीक है ना, इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट डेट इसका दोस्तों 10 अक्टूबर है। लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट इसका दोस्तों कब है, 10 अक्टूबर है। लास्ट डेट इसका कब है दोस्तों, 10 अक्टूबर है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जाप है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप होने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरे से बात आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों ठीक है ना। आइए लेते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारे सामने वैकेंसी नंबर 4 निकल कर सामने आती है, ये निकल कर आती है दोस्तों पुलिस विभाग में, किसमें, पुलिस विभाग में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो पुलिस विभाग में दोस्तों निकल कर सामने आ रही है। चलिए दोस्तों चौथी और पांचवी वैकेंसी के बारे में हम जान लेते हैं ठीक है ना। हाथ से लिख रहा था तो टाइम ज्यादा लग रहा था, बस 3-4 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। पुलिस विभाग में वैकेंसी जो आई है दोस्तों, पोस्ट नेम है सब इंस्पेक्टर जूनियर आर्टिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर फील्ड असिस्टेंट। ये है जूनियर, ये जो है पुलिस विभाग में वैकेंसी है दोस्तों ठीक है ना। पोस्ट कितनी है दोस्तों, 133। अगर आपके पास 10th 12th या ग्रेजुएशन किए हुए अगर आप, तो इस फॉर्म को आप दोस्तों फिलअप कर सकते हैं। एज आपका क्या मांग रहा है, 18 से लेकर 40 वर्ष तक ठीक है दोस्तों। जो एज है वो है 18 to 40 है ठीक है ना। अप्लीकेशन फी की बात करेंगे दोस्तों, इसमें 0 लग रहा है, यानी कि अप्लीकेशन फीस में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, रिटन टेस्ट, यानी कि जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, जिस तरीके से आप कंप्यूटर CBT देते हैं ना, उस तरीके से इसमें एग्जाम नहीं होने वाला, रिटन टेस्ट अर्थात आपका हाथ से एग्जाम होगा ठीक है ना। लिखित जॉब लोकेशन आपका असम है, तो दोस्तों अगर आप असम में मतलब जॉब करना चाहते हैं तो ही फॉर्म को फिलअप करिएगा। आप फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन असम है ठीक है ना। और लास्ट डेट इसका दोस्तों चल रहा है ना, लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2020। लास्ट डेट कब है दोस्तों, 15 अक्टूबर 2020 इसका लास्ट डेट है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, बस मेरे कहने से आप फॉर्म को फिलअप करिए और तैयारी में दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर फोकस करके लग जाइए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा ठीक है ना। आइए लेते हैं एक और वैकेंसी, NHM रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, NHM रिक्रूटमेंट नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि NHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ मिशन। बोले तो पोस्ट नेम इसमें डिस्ट्रिक्ट आशा ट्रेनर, दोस्तों आशा लोगों को ट्रेनर वगैरह जो भी दिया जाता है ना, आशा बहुत सारी मतलब होती है, हर एक स्टेट में होती है लगभग लगभग, तो उन लोगों को ट्रेनिंग कैसे दिया जाए, किस तरीके से किया जाए, वही यहाँ पे वर्क करना है दोस्तों। यही क्या है, यहाँ पे वर्क करना है। वैकेंसीज है दोस्तों 500, इसमें कितनी वैकेंसीज है, 500 वैकेंसी है। और इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो भी जान लीजिए, क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा ANM से हो, GNM हो, BSc नर्सिंग हो, या BAMS, BUMS, PG डिप्लोमा, ये सब अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं ओके। एज होना चाहिए 25 से 65 साल, एज इसका कितना होना चाहिए, 25 से 65 साल। जनरल OBC EWS UR के लिए 500 हमेशा किधर है, SC ST वोमेन के लिए 250। जॉब लोकेशन दोस्तों है बिहार, और यहाँ पे लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2020। दोस्तों मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो, बस आप मेन पॉइंट जानिए और गूगल करिए और तुरंत फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। और फॉर्म फिलअप के किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने लिखा अक्टूबर मंथ टॉप 10 वैकेंसी, बात सही है। तो दोस्तों एक मैंने और वीडियो बना रखी है ना, वो 5 वीडियोज की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। और ये 5, 5, 5, 10, उसके बाद 2-3 वैकेंसी के बारे में मैं और बता दे रहा हूँ ठीक है दोस्तों। अमेजन पे इस समय वैकेंसी चल रही है, किस पर, अमेजन की। और अभी बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये प्राइवेट वैकेंसी है ठीक है ना, अमेजन आप जाइए उस पर चेक करिए ठीक है ना। और उसका TCS में भी वैकेंसी आ चुकी है, तो अमेजन पे TCS पे आप जाइए, वहां पे प्राइवेट जॉब्स है ना। अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं तो ये फिर जॉब बेहतर है ना।
और उसके बाद जल निगम में, यूपी जल निगम में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली, जो मैं नहीं बताया था 1500 के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है। कहाँ पे दोस्तों? यूपी में। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज की कमी नहीं है, बस कमी आपके अंदर जुनून की। दोस्तों आप अपने अंदर जुनून भरिए, टोटल चीजों को सिलेक्ट करिए गोल और लग जाइए किसी न किसी जॉब में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहे एग्जाम तक वॉरियर्स।